कौन सही कौन गलत। क्या होता है कि बहुत बार हम आर्गुमेंट्स में फंस जाते हैं, और जाने अनजाने में आर्गुमेंट कब चालू हो जाता है पता ही लगता नहीं। डिस्कशन करते करते आर्गुमेंट चालू हो जाता है और फिर मैं सही तू गलत ये स्टेज आ जाती है। मैं सही हूं और तू गलत है, ये स्टेटमेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। कौन सही है और कौन गलत है? हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से, अपने अपने दृष्टिकोण से सही है। देखो अभी दिन की रात है पता नहीं, क्योंकि ये दुनिया में आज अभी कहीं दिन है तो कहीं रात है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं अभी दिन ही है करके। मैंने दिन बोलना ये नहीं, दिन ही है ये बोलना ही गलत है, क्योंकि नजरें अलग है। तो दूसरा जो है व्यक्ति, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसको कैसा दिखाई देता है, वो क्या देख रहा है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, उसका नजरिया क्या है, ये देखना जरूरी है, वो समझना जरूरी है, तभी आर्गुमेंट टल सकता है। हमको इंफॉर्मेशन सेंसेस से आती है, पंचेंद्रिय जो है ना वहां से इंफॉर्मेशन हमें आती है। क्या ऑल द इंफॉर्मेशन, जो सभी इंफॉर्मेशन जो सेंसेस से आ रही है वो सही है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा नहीं है और सामने वाला व्यक्ति निकल जाता है मेरे सामने से, मैंने देखा नहीं है, या नहीं है और मैं देख लेता हूं किसको, कोई नहीं है और मुझे कुछ आवाज सुनाई आती है, ऐसा लगता है कि नहीं कोई तो भी आया है, एक्चुअली कोई आया नहीं रहता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सेंसेस वो चीजें पकड़ती है जो नहीं है। तो क्या हमारी सेंसेस 100% सही है? क्या हमारी सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आती है वो सही है? कौन सही है कौन गलत है? तो दूसरों का दृष्टिकोण स्वीकारना, दूसरा क्या बोलता है वो स्वीकारना, वही हम्बलनेस है, वही नम्रता है। यदि आप लोगों को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करेंगे, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। यदि आपको लोगों को जोड़ना है तो लोगों का दृष्टिकोण समझ लेना पड़ेगा, लोग जैसे हैं वैसे उनका स्वीकार करना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा, उनको प्यार देना पड़ेगा। वो जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? वो समझो एक आधा व्यक्ति बहुत बुरा बोल रहा है, पता नहीं वो कौन सी स्टेज से गुजरा है, कितना इमोशनली डिस्टर्ब है वो, पता नहीं वो बीमार है, टेम्पररी बीमार है, ऐसा नहीं कि वो पूरा मानसिक बीमारी है, टेम्पररी कुछ समय के लिए बीमार हो गया है। तो फिर हमने वो लेवल पे क्यों जाना है? उसके लेवल पे मैंने जाना और आर्गुमेंट करना, उसके बदले उसको मेरे लेवल पे लाना कठिन है, मगर सही होगा वही। वो तो बहुत इजी है ना कि मुझे उसके लेवल पे उधर जाना, गाली गलौज कर देना, झगड़ा कर देना। तो दूसरों को समझ लो, दूसरों को अपनाना, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाना, उनको देखते आना, वही अपना बड़प्पन है, और वहीं से लोग आपसे जुड़ जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करो। हमारा ऐप है, वह आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।